बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर नेता प्रतिपक्ष और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव लगातार नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार पर हमलावर है। एक बार फिर से तेजस्वी ने कुछ दिनों की 53 आपराधिक घटनाओं का जिक्र करते हुए सरकार को घेरा है और बिहार में महाजंगल राज बताया है। तो वहीं जेडीयू ने भी पलटवार कर जवाब दिया है और पूछा कि जब 38 महीनों तक आप सत्ता में थे तब भी आपराधिक घटनाएं होती थी, तब आपका ट्विटर क्यों मौन था। दरअसल तेजस्वी यादव ने ट्वीट करते हुए कहा कि हर जिले से आ रही चीख और गोलियों की आवाज, यह है बिहार में डबल इंजन एनडीए का महाचौपट राज। बिहार में चहुओर से आ रही चीखे, गोलियों की आवाजें, लहू से लथपथ सड़कें और गलियां एवं खून से सने अखबार दर्शा रहे हैं कि प्रदेश में महामंगल राज है। एनडीए के लिए मंगल राज की यही वास्तविक परिभाषा है। विगत कुछ दिनों की आपराधिक घटनाओं की छोटी सी सूची, तेजस्वी ने 53 घटनाओं का जिक्र किया है। ऐसे में वहीं जेडीयू की ओर से किए गए पलटवार से जेडीयू प्रदेश प्रवक्ता नीरज कुमार ने अपराध को लेकर विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव द्वारा पेश दावों को महज आंकड़ेबाजी बताया है और सही तरीके से तथ्यों की जांच कर आरोप लगाने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की सरकार में कोई भी व्यक्ति अपराध कर कानून के जबड़े से बच नहीं सकता और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होती है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के साथ गठबंधन सरकार में तेजस्वी यादव पहली बार 21 महीने तक और फिर दूसरी बार 17 महीने तक सत्ता के भागीदार रहे और उस दौरान भी आपराधिक घटनाएं होती थी, वहीं अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी होती थी। तेजस्वी यादव से सवाल पूछते हुए उन्होंने कहा कि सत्ता में कुल 38 महीने तक भागीदार रहते उनका ट्विटर मौन क्यों हो जाता था। नीरज कुमार ने सोमवार को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर अपनी प्रतिक्रिया दी है।